तो फ्रेंड्स, ये डाइट करने से ना कुछ भी आपको अपने लिए अलग सा नहीं करना होता है, और जो आप घर वालों के लिए बनाती हैं ना वही खा करके आप अपना वेट अच्छे से लूज कर सकती हैं। सिर्फ इसमें क्या करना है कि आपको कुछ भी खाना है वो 32 बार चबा के खाना है। हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं उठ गई थी 5 बजे, और अभी ना ठंडा थोड़ा सा मौसम, थोड़ा थोड़ा ठंडा बढ़ गया है और बाहर में कुहासा था, तो मैं अंदर में ही ना वॉक कर रही थी। और क्योंकि जब सुबह उठी है ना तो नींद अच्छे से खुलता नहीं है, तो मैं बाहर नहीं गई थी, यहीं पर कर रही थी वॉक। और यहाँ पर किसू भी जग गया था, ऐसे तो ये बहुत लेट में जगता है। और मैं उसके बाद वॉक करने के बाद मैं ना अपना पानी गर्म कर ली थी, और मैं इसको पानी गर्म करने के बाद फिर मैं इसको सीप सीप करके पी थी। और मेरा ये जो पानी है ना गुनगुना नहीं रहता है, चाय से थोड़ा सा कम गर्म रहता है, और मैं इसको सीप करके पीती हूँ। और ऐसे तो स्कूल जब रहेगा ना तो इसको जगाने से ये नहीं जगता है, लेकिन जब ये देखता है ना कि मम्मी बेड पे नहीं है तो ये उठ के तैयार हो जाता है। और टॉयलेट करने आया था और ये भी घूमने लगा था, और इसीलिए मैं स्वेटर पहनी हूँ ना। हमारे यहाँ सुबह में मैं ना मॉर्निंग में थोड़ा ठंडा लगता है। और अब मैं किचन में आ गई थी, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पालक और आलू और बैंगन की सब्जी, और टमाटर ये सब मैं डाल के इसकी सब्जी बना ली थी। और अभी ठंडा का मौसम है ना, तो अभी जो हरी सब्जियां हैं पालक वगैरह ये सब मिलती हैं, और ठीक ठीक दाम में मिलती हैं, नहीं तो ऐसी ये बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, तो मैं नहीं ले पाती थी। और अभी अच्छा रेट रहता है तो लाई थी। और उसके बाद यहाँ पे मैं टमाटर और प्याज की सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि मेरे यहाँ जो मेरे बच्चे हैं ना वो पालक नहीं खाते हैं, तो मैं यहाँ पे टमाटर की और प्याज की सब्जी उन लोग के लिए बना ले रही हूँ। और अभी लगभग 10 बजे हैं, और तो यहाँ पे मैं प्याज और हरी मिर्च को भून ली थी, और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दी हूँ टमाटर, और इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी नमक। और थोड़ा नमक डालने से क्या होता है ना कि सब्जी बहुत जल्दी जो है पक जाएगी। और इसमें मैं किचन किंग डाली हूँ, इससे ये सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इसमें ये थोड़ी सी मैं देगी मिर्च डाल दी हूँ, सिर्फ ये कलर के लिए है और ये तीखी वाली मिर्च नहीं है। तो इसको मैं ढक ढक कैसे पका ली हूँ, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैं ये भी बना ली थी, और मेरे साग भी बन गए थे। और उसके बाद मेरा जो सभी नाश्ता था वो मैं बना ली थी, दाल रोटी सब्जी, चावल सिर्फ नहीं बनाई थी, वो मैं दोपहर में बनाऊंगी। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, और मैं अपना नहा धो करके पूजा पाठ कर ली हूँ। और पूजा पाठ कर लीजिए तो लगता है कि हाँ सभी काम हो गया है। और यहाँ पे मैं जो मेरा सुबह का फर्स्ट मील था उसको मैं ले रही हूँ। और अभी लगभग 11 बज रहे हैं, तो आज लेट हो गया था, तो मैं वही अपना जो मैं डेली खाती हूँ चना और मूंगफली वही मैं खा रही हूँ। और मुझे लग रही थी ठंडी, तो मैं यहाँ गेट के पास थोड़ा सा धूप आया हुआ था तो मैं यहाँ बैठ गई थी। और उसके बाद फिर मेरा यहाँ पे मैं 2 बजे फिर अपना जो है दोपहर का खाना खाई हूँ, तो दोपहर के खाने में वही है मेरा। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और अभी से जो अभी ना 1:30 बज गया है, और मेरे सभी काम हो गए हैं, और मैं जो अपना नाश्ता था वो मेरा नाश्ता हो गया है, सभी लोगों का नाश्ता हो गया है। और अभी हस्बैंड आ गए हैं तो वो खाना खाएंगे, क्योंकि आज वो सुबह नाश्ता करके नहीं गए थे। और मेरा मैं जो 32 बार फार्मूला फॉलो करती हूँ वो मैं मतलब हर एक चीज़ आप लोग को वीडियो में दिखाई हूँ, मैं सुबह से लेकर रात तक क्या करती हूँ। तो मैं जो खाती हूँ वही आप लोग को दिखाती हूँ, जो मैं इस डाइट में फॉलो की हूँ वही आप लोग को दिखाती हूँ। तो अगर ये डाइट जो है ना 32 बार जो डाइट है इतना अच्छा है कि मतलब आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बनाना है, आप जो चीज़ आप सबके लिए बना रहे हैं फैमिली में जो चीज़ सब लोग खा रहे हैं वही आपको खाना है, फिर भी आपका वेट बहुत अच्छे से लूज हो जाता है। तो मैं आपको जो खाई वो दिखाई हूँ, तो आप लोग अगर आप लोग को वेट अपना लूज करना है तो आप लोग इस वीडियो को देखकर फॉलो कर सकते हैं। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी स्वीकार भारद्वाज सर को, कि जिनके चलते ना मेरा लाइफ स्टाइल ही पूरा चेंज हो गया। जब मेरा वेट ज़्यादा हुआ करता था, 75 था, बहुत ज़्यादा नहीं था हाइट के हिसाब से, लेकिन मेरा टमी जो है बहुत ज़्यादा टमी एरिया में फैट था, जिससे मुझे ना काफ़ी दिक्कत होती थी, और मेरे फेस पे भी बहुत ज़्यादा फैट था।
और मैं मतलब पूरा ना एनर्जी फील नहीं कर पाती थी, कोई काम में एक्टिव नहीं रहती थी, लेकिन मैं अब बहुत अच्छे से अपने लाइफ को एंजॉय करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ ना कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मतलब मेरा जो वेट है वो कम हो, क्या करूँ, तो आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिएगा मेरी वीडियो में, और प्लीज़ अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, और आपके एक लाइक से हमें जो ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी। और 32 बार फार्मूला, ये तो मैं हर दिन करती हूँ, तो वो भी आप लोग के लिए मैं उसका भी वीडियो बनाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स मिलूँगी, और आप लोग चैनल में बने रहिएगा। तो अभी मैं डिनर का तैयारी कर रही हूँ, और आज मैं बोड़ा और आलू की सब्जी बनाऊंगी, और मसाले वाली सब्जी तो मैं कुकर में ही बनाती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से सब्जी बन जाती है। और जब बोड़ा अलग अलग दिखता है ना, तो मेरे यहाँ कोई पसंद नहीं करता है, और तो बस ऐसे ही जैसे सब लोग बनाते हैं, मैं भी सिंपल बनाई हूँ। और आज मुझे भूख नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि जब पेट भरा रहे ना तो खाना नहीं खाना चाहिए। तो अगर मुझे भूख लगेगी रात तक तो खाऊंगी, लेकिन अगर नहीं लगेगी तो नहीं खाऊंगी। ऐसे तो 7 बजे तक खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना सब्जी बना ले रही हूँ, और ऐसे ही सिंपल सब्जी बना रही हूँ कुकर में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपना डिनर बना के तुरंत आ रही हूँ, और लगभग 7 बज गए हैं, और मैं ना 7 बजे अपना जो डिनर है उसको बना लेती हूँ, क्योंकि जब मैं 32 बार फॉलो करती हूँ इसलिए मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ। लेकिन आज मुझे एकदम भूख नहीं है, क्योंकि मैं चने खा ली थी ना, उसके बाद मुझे भूख नहीं लग रही थी। और उसके बाद जो मेरा लंच है मैं वो 4 बजे की हूँ, तो 4 बजे की हूँ तो भूख एकदम नहीं है, तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। और अगर भूख लगा तो खाऊंगी, नहीं तो फिर पेट एकदम भरा हुआ है, और जब पेट भरा हुआ है तो फिर खाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो बस मेरा 32 बार में यही सिंपल सा जो खाना है वही रहता है, और मैं अपना जो मेरा ये नहीं है कि मैं 32 बार फॉलो कर रही हूँ तो ये सिर्फ वेट के लिए है, मेरा वेट कम हो गया है तो मैं 32 बार फॉलो करती रहूँगी तो और भी वेट कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये 32 बार जो फार्मूला है ना, ये मेरे बॉडी को जो बैलेंस करके रखेगा, और बस इसीलिए मैं करना चाहती हूँ। और ये मतलब हेल्दी भी रहते हैं लोग जो 32 बार फॉलो करते हैं, तो बस मैं 32 बार इसीलिए फॉलो कर रही हूँ, और इससे मेरा दोनों चीज़ होते रहेगा। और क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि मैं जैसे ही 32 बार छोड़ूंगी ना, वैसे ही मेरा वेट बढ़ जाएगा, जो कि मैं एकदम नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा बैलेंस बना रहे, और मुझे इससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मैं अपने पेट भर खाती हूँ, तो जब मैं 32 बार चबाती हूँ मेरा पूरा पेट फुल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मिलूंगी अपने अगले न्यू वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू। और आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, तो फ्रेंड्स आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय गाइज, गुड नाइट, टेक